हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीरीज टॉक्स। दोस्तों सबसे पहले आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों होली के मौके पर बॉलीवुड की दुनिया में कोई बड़ी ब्लॉकबस्टर रिलीज ना हो ऐसी तो बात हो नहीं सकती है। तो दोस्तों रिलीज हो चुकी है अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे। जी हाँ दोस्तों, बच्चन पांडे थिएटर्स पर रिलीज हो गई है, मैं देखकर आ चुका हूँ। दोस्तों आपको वीडियो में बता दूंगा कि ये एक फिल्म देखने लायक है कि नहीं, अपने फैमिली के साथ हो या अकेले अपने दोस्तों के साथ भी जाकर देखें, क्या ये फिल्म सच में देखने लायक है या कुछ और फिल्म को भी देख सकते हैं, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों सबसे पहले कास्ट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इस फिल्म के अंदर कास्ट में कोई कमी नहीं छोड़ी है। अक्षय कुमार, कृति सानन, पंकज त्रिपाठी, जैकलीन और साथ ही साथ दोस्तों अरशद वारसी भी आपको इस फिल्म में नजर आने वाला है। तो दोस्तों इन शॉर्ट कहूं तो बॉलीवुड का फुल पैकेज इस फिल्म के अंदर आपको नजर आ जाएगा। लेकिन बात करें फिल्म की स्टोरी के बारे में, तो दोस्तों ऑनेस्टली बता रहा हूं, फिल्म की स्टोरी में मुझे कोई दम नहीं है। पहली बात तो ये फुल्ली एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई स्टोरी है, और दोस्तों साथ में अक्षय कुमार का जो रोल है गैंगस्टर वाला और उनकी जो भोजपुरी जो एक्सेंट दिखाई गई है इस फिल्म के अंदर, मुझे ऐसा लगा कि उनके ऊपर बिल्कुल भी वो चीज सूट नहीं की है। और दोस्तों इस फिल्म के अंदर जो एक्शन दिखाया गया है, मतलब गोलियां तो जैसे ऐसे चल रही है जैसे कि दिवाली में फटाके चल रहे होंगे। बिल्कुल दोस्तों बहुत ही मतलब बकचोदी वाली एक्शन दिखाई गई है इस फिल्म के अंदर। इस फिल्म के अंदर मुझे सबसे जो अच्छी चीज लगी है वो थी पंकज त्रिपाठी की एंट्री और उनकी एक्टिंग। जी हाँ दोस्तों, पंकज त्रिपाठी ने इस फिल्म के अंदर भी बहुत ही बेहतरीन काम किया है और उनके कैरेक्टर को देखकर ही साफ साफ हंसी आ रहा था चेहरे पर। और इसके साथ साथ दोस्तों अरशद वारसी ने भी काफी अच्छा काम किया है। उनके जितने भी डायलॉग्स और स्क्रिप्ट है इस कैरेक्टर के अंदर, उनके बहुत अच्छी लगी मुझे उनकी एक्टिंग। और दोस्तों इसके अलावा अक्षय कुमार की एक्शन के बारे में बात करें तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा खराब की थी, बट पर्सनली मुझे ऐसे सीन्स देखना नहीं पसंद, क्योंकि कुछ ज्यादा ही मतलब मैं क्या ही बोलूँ, वर्ड्स नहीं है मेरे पास बोलने के, कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा था उनको ऐसे एक्शन करते हुए देखकर। क्योंकि अक्षय कुमार जेन्युइनली बहुत अच्छे मार्शल आर्टिस्ट भी है और साथ साथ ऐसे एक्शन को देखकर उनके एक्शन मुझे थोड़ी कमी नजर आई है। ऑनेस्टली बताओ ये फिल्म परफेक्टली एंटरटेनमेंट के लिए ही बनाई गई है। बात करें इस फिल्म को आप फैमिली के साथ देख सकते हैं कि नहीं, दोस्तों फैमिली के साथ आप जाकर जरूर देख सकते हैं, बट इसमें वैसी कुछ चीजें नहीं है, बट थोड़ा बहुत एडल्ट लैंग्वेज यूज किया गया है, वो भी डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली ही यूज किया गया, तो जो कि थोड़ा और ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। तो इसी वजह से फैमिली के साथ चाहे तो आप जाकर देख भी सकते हैं, नहीं तो नहीं। पर्सनली मैं आपको बोलूंगा कश्मीर फाइल्स ज्यादा अच्छी मूवी थी बचपन पांडे से एनी डे। और दोस्तों यही बोलूंगा कि कश्मीर फाइल्स आपने नहीं देखी तो कश्मीर फाइल्स जरूर देख लेना। बच्चन पांडे तो दोस्तों ठीक है, अच्छी बात है, अगर आपको अक्षय कुमार की फिल्म्स पसंद है तो आप जाकर जरूर देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। मैं जल्दी मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में।